हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका साडा फूड अड्डा में। आज मैं बना रहा हूँ छोले चाट की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटी लगती है और इसको बनाने में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आइए देख लेते हैं, छोले चाट की रेसिपी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। सबसे पहले हमने ये एक कटोरी छोले ले लिए हैं, इनको 7 से 8 घंटे के लिए भिगो लिया था। ये एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, जिसको बारीक बारीक कट कर लिया है। एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, इसको भी बारीक कट कर लिया है। ये हरा धनिया लिया है हमने, और ये 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं, और ये एक नींबू लिया है। ये लाल मिर्च, चाट मसाला, गरम मसाला और नमक। तो आइए शुरू करते हैं अपना छोले चाट की रेसिपी बनाना। सबसे पहले हम ये छोले जो हमने लिए थे, इनको हम बॉईल कर लेंगे। तो इसमें छोले हम इसमें डाल देंगे। ये में थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये नमक मैंने इसमें छोलों में इसलिए डाला है ताकि ये छोलों में अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसमें हम 2 कटोरी पानी डालेंगे। कुकर को हम बंद कर देंगे। अब हम अपना गैस ऑन करते हैं। गैस के फ्लेम को फुल रखेंगे और 3 से 4 सीटी आने तक छोलों को बॉईल करेंगे। चार सीटी हमारी लग चुकी हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और जो इसमें कुकर में प्रेशर है, इसको खुद से रिलीज होने देंगे। आइए एक बार चेक कर लेते हैं गैस का प्रेशर रिलीज हुआ है या नहीं। अब अपने कुकर को खोलेंगे। अब छोलों को चेक कर लेंगे। ये देखिए, हमारे छोले अच्छे से गल चुके हैं। अब इनको एक बर्तन में निकाल कर अलग कर लेते हैं। ये छोले हमने निकाल कर अलग कर लिए हैं। अब इनको 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। छोले हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो आइए अब छोले चाट की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये प्याज ली थी, ये प्याज डाल देंगे। टमाटर लिए थे, टमाटर भी डाल देते हैं। ये हरी मिर्च, ये भी डाल देते हैं। और ये हरा धनिया। और अब जो हमने ये मसाले लिए थे, वो डाल देते हैं। सबसे पहले नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। और याद रखें कि नमक हमने छोलों में भी डाला था, तो नमक देख करके डालें थोड़ा। चाट मसाला डालेंगे 1 चम्मच। ये गरम मसाला, ये डालेंगे आधी चम्मच। ये लाल मिर्च पाउडर, ये आधे चम्मच से थोड़ा कम डालना है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये हमने नींबू लिया था, तो आधा नींबू इसमें से हम इसमें पूरा निचोड़ देंगे। सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। छोले और जो मसाले हमने मिक्स करे थे, वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं।
अब छोले चाट की हमारी रेसिपी बनकर तैयार है। आइए इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। छोले चाट की ये रेसिपी आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।